दही वड़ा खाना तो सभी को पसंद है। दही वड़ा हर मौसम में खाए जा सकते हैं। घर के बने हुए दही वड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये दही वड़ा आपको भी पसंद आएगा। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन लिया है, उसमें एक कटोरी उड़द दाल डालेंगे। ये बिना छिलके वाले उड़द दाल हैं। और उसमें एक कटोरी मूंग दाल डालेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने इसे तीन चार पानी से धो लिया है। धोने के बाद इसमें पानी डालकर रात भर के लिए फूलने के लिए डाल देंगे। देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं। ये नाखून से भी कट जा रहे हैं और उंगली से भी मसला जा रहा है। अब इसके सारे पानी को निकाल देंगे। अब एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बिना पानी के पीसेंगे। अगर पानी की ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से पिसा गया है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें सारे मिश्रण को डाल देंगे। मैंने पहले से कुछ दाल पीस करके रख लिया था। इसे खूब फेंटेंगे। जितना इसे फेंटा जाएगा ये उतना ही सॉफ्ट दही वड़ा बन करके तैयार होंगे। देखिए ये कितने फलोपी हो गए हैं। ये मिश्रण अच्छी तरह से फेंटाया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। मैंने पहले से एक चेक करके देख लिया था। अब उसमें मिश्रण को डालेंगे। मिश्रण अगर तैरने लगे तो समझ लीजिए कि अच्छी तरह से फेंटा गया है। अब मिश्रण में कूटे हुए गोलकी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा के रख दिया था। अब चाय वाले छन्ना लेंगे, उसमें मिश्रण को रखेंगे, उसके बाद तेल में डालेंगे। पहले से मैंने एक रख डाल दिया था, अब दूसरा मैं करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से छन्ने के ऊपर रखेंगे और फिर तेल में डालेंगे। इससे हाथ नहीं जलता है, इसे सावधानी से ही डालना चाहिए। एक और मैं करके दिखा देती हूँ। उल्टे छन्ने पर इसको मिश्रण को डालेंगे और फिर तेल में डाल देंगे। सभी बड़ा को इसी तरह से डाल देंगे और उलट पलट कर छान लेंगे। तेल में बड़ा डालने का दूसरा आसान तरीका है, कटोरी के ऊपर भी मिश्रण को रख देंगे, उसके बाद फिर तेल में डाल देंगे। ये आसानी से निकल जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल गए। सभी बड़ा छन करके तैयार हो गए हैं। अब एक बर्तन लेंगे, मैंने यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया है, अब कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें हल्का गर्म पानी करेंगे और उसमें नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। अब उसमें बड़ा को फूलने के लिए डाल देंगे। बड़ा आसानी से 4 घंटे में फूल जाता है। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच एक बर्तन में दही लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसमें काला नमक डालेंगे और भुने हुए जीरे पाउडर डालेंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे। दही अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 4 घंटे हो गए हैं। अब ढक्कन हटाते हैं। देखिए बड़े अच्छी तरह से फूल गए हैं। इसे मैं दबा करके दिखाती हूँ।
देखिए कितने स्पंजी हो गए हैं। अब बड़े को दोनों हाथ के बीच में रखेंगे और निचोड़कर सारे पानी को निकाल देंगे और दूसरे बर्तन में रखते चले जाएंगे। अब दूसरे बड़े को भी मैं पानी से अच्छी तरह से निचोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छी तरह से पानी को निकाल दिया है। सभी बड़े के पानी निचोड़ करके अब एक प्लेट में रख लेंगे। जिस बर्तन में मैंने दही में जीरा और काला नमक डाल के रखा था, अब उसी दही में सारे बड़े को डालेंगे और 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। दही में बड़े को डालने से दही अंदर तक बड़े में पेबस हो जाता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब मैंने एक बर्तन में दही लिया है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। देखिए ये चीनी अच्छी तरह से घुल गए हैं और दही भी मिक्स हो गए हैं। अब बड़े दही में अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसे सर्व कर देती हूँ और एक प्लेट में बड़े को निकालेंगे। बड़े को मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया है। वो जो दही में चीनी मिक्स करके रखा था, अब उसी को बड़े के ऊपर डालेंगे। दही को अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। मैंने दही को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर काला नमक डालेंगे, भुने हुए जीरे पाउडर डालेंगे और पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसके ऊपर सेव डालेंगे। सेव डालना ऑप्शनल है, इसे आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी को डालेंगे। दही वड़ा इतने सॉफ्ट बने हैं कि देखिए चम्मच से भी आसानी से कट जा रहे हैं। दही वड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए।